हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हज ऑपरेशन के इंतजाम का आगाज। हज ऑपरेशन 15 मई, फ्लाइट का आगाज 21 मई से होगा। DC मुल्तान की तरफ से जिले महकमों को भरपूर इकदाम करने का टास्क। डायरेक्टर रेहान अब्बास की हज ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग। हज कॉम्प्लेक्स में आने वाले हाजियों की भरपूर मेहमान नवाजी करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर की गुफ्तगू। मुल्तान में महंगाई माफिया बेलगा। LPG के घरेलू और कमर्शियल सार्फीन को मुश्किलात का सामना। सरकारी कीमत 229 रुपए नजरअंदाज। मुख्तलिफ मकामात पर गैस 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। गैस महंगी मिलती है, शहरी जायद किराया देने पर राजी नहीं होते। रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। दुकानदारों के मुताबिक महंगी मिलने वाली गैस सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। जतोई में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों का पारा हाई। AC छोड़ शहरी पंखे की हवा को भी तरसने लगे। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 4 गुना इजाफा। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मार्केटें वीरान, कारोबार ना होने के बराबर। दुकानों का किराया, मुलाजमीन की तनख्वाहें कहां से पूरी करें, दुकानदार भी परेशान। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने की अपील। डॉलर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया पे बहुत ही इसका नाम भी गहरा असर हुआ है, जिसकी वजह से अशिया की कीमतों में बेपना इजाफा हुआ है। और ये बेपना इजाफा होने की वजह से गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया। अगर और इसके अलावा हमारा सेल आउट भी बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से इसका नाम भी कारोबारी हजरात बहुत परेशान है और इससे ज़्यादा ही आवाम परेशान है जी। कूलर पखे भी जरा 7-8 हज़ार का मिलता और ही टाइम 15 हज़ार रुपये का मिलता पे। गरीब बंदे की पहुँच करूँ बहुत ज़्यादा महंगाई थी कि है। गरीब बंदा घर का चूल्हा चलावे या पखा गिने। शेख सैद हस्पताल रहीम याब खान के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। MS ऑफिस के सामने एहतजाज। ग्रेड 17 के 88 PLA के 22 मुलाजमीन को 5 माह से तनख्वाहें ना मिली। मुजाहरीन का फौरी नोटिस लेकर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। इंतजामिया के मुबैना गफलत के सबब मुसाफिर खास। सफाई के नाकिस इंतजाम। इंफॉर्मेशन सेल गैर फाल। वॉशरूम्स भी बंद। सिक्योरिटी इंतजाम ना होने के बराबर। स्टेशन इंतजामिया सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो चुकी। मुसाफिरों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। मियांवाली GPO चौक खतरे की अलामत बन गया। बेहंगम ट्रैफिक से हादसात मामूल। चौक में नज ट्रैफिक सिग्नल्स 5 साल से खराब। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई अहलकार भी तैनात नहीं। चौक के इतराफ सरकारी दफातर होने से ट्रैफिक का दबाव। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान इलाकों में कब्जा माफिया का राज। जगह जगह गैर कानूनी बस अड्डे और रिक्शा स्टैंड कायम। मुबैना सियासी मुदाखलत के सबब इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा। शोर से शहरी परेशान। मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेने की अपील। बहावल नगर में मेपको इंतजामिया की लापरवाही इंतहा को पहुंच गई। बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बवाले जा। खंभे ना होने से तार जमीन को छूने लगी। बारिश के दौरान अक्सर करंट आने के वाकया। शहरियों का मैप को हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरियों को सड़कों के मसाइल से छुटकारा ना मिल सका। मुल्तान में नवाबपुर रोड 3 साल से खस्ता हाल। सड़क के इतराफ, दुकानदारों का कारोबार बंद। बारह दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई ना हुई। इंतजामिया से रोड फौरी मुरम्मत करवाने का मुतालबा। चन्नू इंटरचेंज की मुरम्मत ताखीर का शिकार। धूल उड़ने से शहरी परेशान। सांस की बीमारियां आम। गड़े पड़ने से मिनटों का सफर घंटों में तय। हादसात मामूल। शहरियों की कीमती गाड़ियां तबाह। हुकूमत वक्त से रोड जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा।
दुनियापुर में महकमे इन्हाल की मुबैना ना अहली वबाले जान, भल सफाई की रेत नहर किनारे सड़क पर डाल दी गई, गुजरने में मुश्किलात का सामना, गाड़ियां उलटने लगी। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सरकारी कॉलेजेस में शोबे सहाफत की तालीम मसाइल का शिकार, मुल्तान में बीएस प्रोग्राम भी शुरू ना हो सका। कॉलेजेस में लाइब्रेरी, असासा और लैब जैसी अहम सहूलियात की कमी, सहाफत के मजमून में तलबा की अदम दिलचस्पी। बहावलपुर में गर्ल्स हॉस्टल की छत गिरने से दो तालबात की हलाकत का मामला, हॉस्टल यूनियन ने इंतजामिया की जानब से हॉस्टल को कमर्शलाइज करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हम पर कमर्शियल टैक्स लगा रही है, इस एक वाक्य के अलावा किसी बिल्डिंग बारे कोई शिकायत नहीं। यूनियन अहदेदारान सैयद आसरार शाह, बिलाल बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हारूनाबाद में एएफसी खादिम फराज की करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन, असिस्टेंट कमिश्नर के डीसी बहावलगर को एएफसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, कहा एएफसी खादिम फराज गंदम की पीमन सरकारी वजन में करप्शन करता पाया गया। गंदम का सरकारी वजन 50 किलो 115 ग्राम, एएफसी 50 किलो 500 ग्राम वसूल कर रहा। खादिम फराज नाकिस गंदम भी खरीदने में मुलव्वस है। पुलिस आवाम को सहूलत देने के लिए मुतहरिक, रहीम यार खान में तीन बच्चों के मुबैना अगवा होने का मामला, पुलिस ने चार घंटों में बच्चे बाजियाब करवा लिए। बच्चों ने मशहूर होने के लिए कराची जाने का प्लान बनाया था, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों को बहावलपुर बस स्टैंड से तलाश कर लिया। अलीपुर से पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट उड़ा दी, पीटीआई के रहनुमा साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद कायम अली शाह शमसी ने साथियों के हमरा बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सैयद कायम अली शाह ने साबिक गवर्नर पंजाब मकूम अहमद महमूद की रिहायशगाह पर शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज, मुल्तान में 218 से ज्यादा मकामात पर कानकुनात के मुजाहरे, सरगोधा में एहतजाज, वुमेन विंग नॉर्थ पंजाब रीजन की जानिब से एहतजाज किया गया, खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत, लैया में जगह जगह कारकुनान सड़कों पर निकल आए और कोर्ट सुल्तान में पीटीआई उम्मीदवार अली असगर गिरमानी की क्यादत में 8 मकामात पर मुजाहरे किए गए। मुल्तान में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी कैंप, कचहरी चौक पर गैस मीटर रेंट में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, क्यादत जिले अमीर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने की, गैस मीटर रेंट में इजाफा मुस्तरद, कानूनी रास्ता इख्तियार करने का इंदिया। पंजाब में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी, सरगोधा में मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम की ट्रेनिंग, डिवीजन भर में सूबाई असेंबली की 21 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग के लिए तैयार हैं। वजीर मुमलिकत बराए कानून शहादत आवान की खुशाब आमद, डिस्ट्रिक्ट बार में उनके एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, सदर ताहिर आवान जनरल सेक्रेटरी इमरान कादिर ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया, डिस्ट्रिक्ट बार के लिए 20 लाख का चेक सदर ताहिर ऐवान के हवाले कर दिया गया। बहाली सुबह बहावलपुर के सरकर्दा कायदीन का सुबह बहाली की तहरीक के शहीद रहनुमाओं के साथ इजहार यकजहती, तहरीक के तमाम धड़ों को साथ मिलाने और मुनज़्ज़म अंदाज से चलाने का ऐलान कर दिया। कायद तहरीक बहाली सुबह बहावलपुर डॉक्टर सैयद सुलेमान शाह और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासतदानों ने तहरीक को ओहदों के एवज फरोख किया, सुबह बहाली की तहरीक को इबादत समझकर सरंजाम देंगे।
पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम जारी। डेरा गाजी खान में हदफ की 51% गंदम खरीदी जा चुकी। सरगोदा में खरीदारी का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। किसान गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने लगे। बिहाड़ी में जखीरांदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ देहात से 18,000 बैग जखीराशुदा गंदम सरकारी तहवील में। एक गोदाम से 1700 बोरी चीनी भी बरामद। कार्रवाई बिहाड़ी, मेलसी और बुरेवाला के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने की। गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जाएं। गंदम खरीदारी के हवाले से कोटछुट्टा इंतजामिया का इजलास। 7,90,000 बोरी गंदम खरीदारी का हदफ हर सूरत पूरा करने का हुक्म। तमाम अफसरों को मुतहरिक रहने की हिदायत। आरपीओ मुल्तान की बिल्डिंग अफसरान से मीटिंग। मुल्तान, बिहाड़ी, खारेवाल और लोथरा से अफसरों की शिरकत। काम की रफ्तार तेज करने और मेयार पर किसी किस्म का समझौता ना करने की हिदायत। मुकर्रर करदा वक्त में मंसूबों के तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। ट्रेन के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। शालीमार का बहावलपुर में स्टाफ बहाल। अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की तादाद 28 हो गई। बहावलपुर के लिए 3 सीटों और 12 बर्थों का कोटा मुख्तस। रिजर्वेशन काउंटर पर खसूसी डेस्क कायम कर दिया गया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल आई वार्ड में अवामी खिदमत का सिलसिला जारी। कायद आजम मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सोफिया फरूख की रोही से गुफ्तगु। कहा आंखों को रोशनी देने के लिए ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर रहे हैं। कॉर्निया का एक ऑपरेशन 8 से 10 लाख का होता है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की पुलिस तहफ्फुज मरकज आमद। डीएसपी सिटी की 15 कॉल्स और मॉनिटरिंग सेल से मुतालिक ब्रीफिंग। डीपीओ की सालिन से मुलाकात, हिदायत भी दी। थाना सदर और सिविल लाइन की इमारत और मालखाने का मुआयना। कोटद्दू जिले और मरकजी अंजुमन ताजान के वक्ती असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असगर इकबाल लगारी से मुलाकात। ताजान की जानिब से जनरल बस स्टैंड, स्लॉटर हाउस समेत शहर के मुतादिद इलाकों के सिविल सिस्टम और सफाई सुथराई को बेहतर करने का मुतालबा किया गया। मुल्तान बोर्ड के जेर एहतमाम इंटरमीडिएट के इम्तिहानात। प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी। आगाज 26 जून से होगा। साइंस और आर्ट्स ग्रुप के तलबा 10 से ज्यादा मजामीन के प्रैक्टिकल इम्तिहानात देंगे। ज्यादा से ज्यादा कपास उगाओ, बेहतरीन जर मुबादला कमाओ। जनूबी पंजाब इंतजामिया कपास की काश्त के लिए मुतहरिक। डीजी खान में कपास बवाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास। रहीमिया खान में डेप्टी कमिश्नर की जेर सदारत नंबरदार कन्वेंशन। रहीमिया खान, कोटछुट्टा और लैया में आगाही सेमिनार्स। किसानों ने मुकर्ररीन से सवालात भी किए। खानपुर में कपास की पैदावार में इजाफे के हवाले से कन्वेंशन का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, नंबरदार, डेप्यूटी डायरेक्टर ज़रात की शिरकत। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कपास की पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत पंजाब खसूसी तवज्जो दे रही है। कपास की इमदादी कीमत कम अज कम 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर की है। मुल्तान के निजी स्कूल में फेस्टिवल का अहतमाम। बच्चों के लिए घोड़ों के रक्स का इंतजाम। बच्चियों ने मां के रिश्ते को खराज तहसीन पेश करने के लिए टेबलोस पेश किए। वतन से इजहार मोहब्बत के लिए मिली नफ़मे पेश किए, तकारीर भी की। और तौंसर शरीफ में दारा दीन पनाह के 488वें उर्स की तकरीबात। सजादा नशीन मुनीर अख्तर ने मजार पर चादर चढ़ाकर आगाज किया। उस जुमेरात तक जारी रहेगा। उधर रंगपुर में पीर सैयद अहमद हसन शाह रहमतुल्ला का 70वां उर्स। अलामा मौलाना जाफिर अतारी का इख्तितामी तकरीब से खिताब।
रात को महफिल समा होगी, नामवर कवाल समा बांधेंगे।